Rumi Empildri. First of all, I'd like to thank the 7th Silang Netengiri Cultural Celebration Committee for giving me an opportunity to come here to be nice to you. I'm really honored and humbled to be a part of this beautiful celebration. For this, I like to put in call my thankfulness to the chairman of the Silang Netengiri Cultural Committee, Sri Pura Sambhir Ji, General Secretary Sri Nada Duri Ji, and today's guest of honor, Sri Puna Inda Ji, special guest, Sri Pavan Bagan Ji, the patron of the event, Honorable Commissioner RTI, Dani Gambo sir. बाकी जितने भी सीनियर्स बैठे हुए हैं, मैं शायद नाम तो छूट भी जाएगा, इसलिए जितने सीनियर्स बैठे हुए हैं, जिला परिषद मेंबर्स, गांव पूरा बुरी, जितने भी गांव के जिस सिलांग जीती के जितने भी ब्री सेलिब्रेशन करने जितने भी लोग आए हैं, एंड देयर स्टूडेंट्स, जितने फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे हैं, सभी को वंस अगेन हैप्पी ब्री। वैसे ब्री सेलिब्रेशन पर्टिकुलरली आपातानी कम्युनिटी का तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है, बट दिस सेलिब्रेशन ये सेलिब्रेशन है सभी के लिए, सभी मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए। नाम तो अभी आया है, तो लेकिन आज मैं इस अपॉर्चुनिटी में आई लाइक टू बो इन ग्रेटिट्यूड टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू अनिल धोनी एंड आवा लोगो जो हम लोगों को ये सर्वाइवल करने का जो हमको जो प्रेरणा जो आपको रास्ता दिखाया है वो इन ग्रेटिट्यूड टू देम। मैं अपने पर्सनल फ्रंट में आई फील वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ ब्री सेलिब्रेशन ऑफ सेंट्रल ब्री फेस्टिवल ऑल्सो हॉन्ग ऑल्सो और आज मुझे ब्री जो मेन ब्री फेस्टिवल का इस मौके पर मुझे सिलांग आने का मौका मिला है। मैं अपने लिए सोचता हूँ कि आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड वन ऑल द प्लेसेस एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन जितना भी जहाँ मैं यहाँ पे जितना भी आया है। और जैसे कि ब्री जो हमका कहते हैं कि द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट इट सिंबलाइज द सेलिब्रेशन ऑफ द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फूड है उसका सेलिब्रेशन। तो ये मतलब कोई पर्टिकुलर एक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, किसी एक रिलीजन प्लेस के लिए नहीं है, ये आपका सेलिब्रेशन ये पूरा पृथ्वी में जितना आदि आदमी है सब के लिए है। आप लोग सब के लिए प्रे कर रहे हैं, सब के लिए ब्लेसिंग अपना गैदर कर रहे हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि आपका इस सेलिब्रेशन में सब और आज मैन पाइन को ब्लेसिंग मिल रहा है। आज का डेट में सबसे चैलेंजिंग जो चीज है वो है जो जो हम जो हमारा मैनकाइंड जो ये कर रहा है कल्चर नेचर एंड फ्यूचर, ये जो तीन चीज है हमको अगर फ्यूचर को सेव करना है तो हमको कल्चर फॉलो करना पड़ेगा, हमको नेचर को सेव करना पड़ेगा। और मैं मेरा एक साल पूरा होने जा रहा है यहाँ पे, दिस जुलाई आई विल कंप्लीटिंग वन माय वन ईयर ऑफ टेन्योर एंड आई हैव सीन फ्रॉम माय अपने आंखों से मैंने देखा है कि आपका जो कम्युनिटी है ये कल्चर को भी बड़ा सुंदर से प्रिजर्व कर रहा है, नेचर को भी इतना अच्छा तरह से प्रिजर्व कर रहा है। ये आप लोग एक मैं तो यही कहूँगा कि आप तारीख का जो प्लेस है बच्चा था आप लोग को ही दिया गया था, तो इसी तरह आपके पास इनबिल्ट आपके पास में है, आप नेचर को भी सेव कर रहा है, कल्चर को भी सेव कर रहा है। एक हम लोग जब छोटा में चार साल में तक पढ़ता था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आज नेचर के लिए चैलेंज हो गया उसको सर्वाइव करने के लिए, तो ये लेसन आप लोग से हम लोग को लेना है हम लोग डेफिनेटली। और आज मैं और पवन जी के तरफ से आप लोग सबसे बहुत थैंकफुल करता है कि आप लोग ने मौका दिया है आपके साथ हम लोग को एकत्रित होने का। और मैं एक और एक बात करना चाहूंगा, आज का सेलिब्रेशन में जो सबसे मुख्य आकर्षित जो चीज था जो लेट हैज टच माय हार्ट वाज द फेलिसिटेशन ऑफ योर द यंगर जनरेशन।
आज आपको प्रेरणा लेने के लिए, जैसे भी मैं आपका जो इस एरिया का इस्लाम दीदी का हो गया, वीजा का हो गया, आपका विवो का जितना भी मैं देखता हूँ, सो मेनी लर्नर पीपल आर हियर, कितना अभी सर्विस में है, सम ऑफ देम रिटायर्ड, न्यू जनरेशन इज कमिंग अप आल्सो। तो आपको इंस्पिरेशन लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जगह नहीं, यू हैव ऑल दोस जितना भी इंस्पिरेशन है सब यहाँ पे है। और सीनियर जो आजकल जैसे आपने अपने प्रोग्राम कंडक्ट किया है, फेलिसिटेशन टू द यंगर जनरेशन, दिस विल इंस्पायर देम। और ये सबसे बड़ा आज फेस्टिवल तो मुझे अच्छा लगा, एंड यू हैव इनवाइटेड माय स्टूडेंट्स आल्सो, यहाँ बच्चों को भी दिखाया है, यू हैव शोन देम, आप उनको कल्चर दिखा रहा है, इंस्पिरेशन दिखा रहा है, इंस्पिरेशन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है एज ए ट्राइब आल्सो, आई हैव सेड इट बिफोर आल्सो, वी विल बी वेरी हैप्पी जो अरुणाचल एज ए होल तनी एज ए ट्राइब आपको फॉलो करना, आपका गाइडेंस हम लोग भी जानना चाहेगा, इसका ये जो आपको इंस्पिरेशन हम लोग को देता है, विल बी वेरी हैप्पी कैरी फॉरवर्ड। इसके अलावा मैं आज इट्स इट अ सेलिब्रेशन टाइम, आई जस्ट लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच आल्सो एट द एंड, आई फील दैट दिस ग्रीट ब्रिंग हैप्पीनेस पीस and prosperity to all. And I thank you, thank you the committee again for having me invited here. With this, bye, bye, bye.